नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। पिता के जन्मदिन पर बेटे तेजस्वी का संकल्प, बिहार के युवाओं और गरीबों को दिलाएंगे न्याय, सरकार पर भी साधा निशाना। लालू प्रसाद के जन्मदिन के बहाने नीतीश सरकार के मंत्री ने साधा निशाना, कहा लाभ लो जमीन दो की नीति अपनाकर लालू ने अपनों को भी नहीं छोड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने की बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी से स्थिति की समीक्षा, जल्द तैयारियां पूरी करने का दिया निर्देश। हत्या मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत, तो हथियार बरामदगी मामले में जमानत देने से हाई कोर्ट का इनकार, फिलहाल जेल में ही रहेंगे अनंत सिंह। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर संकल्प लिया है कि वे युवा और गरीबों को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहारवासियों के नाम खुला पत्र लिखकर अपना यह संकल्प सार्वजनिक किया है। दरअसल वे अपने पिता के जन्मदिन पर उनसे मिलने रांची पहुंचे थे, जहां से राज्यवासियों के नाम उन्होंने खुला पत्र जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 15 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी वो अपनी नाकामियों का टिकरा दूसरे पर फोड़ती रही है। उन्होंने कहा कि अब यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। भूखमरी, अपराध और अव्यवस्था के साथ साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई होगी और लालू प्रसाद जी की जो लड़ाई अधूरी रह गई है उसे हर हाल में पूरा करने का मैंने संकल्प लिया है। गरीब सम्मान दिवस के तौर पे आदरणीय लालू जी का जो जन्मदिन है वो हम मनाएंगे, और आप जान रहे हैं जिस विपरीत स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, खासतौर पर सबसे ज़्यादा जो मरमाहत है वो गरीब मजदूर है, और काफ़ी लोगों की बहुत मौतें भी हो गई हैं भूख के वजह से। तो इस बार का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि केक काट के, अगर केक कटेगा भी तो गरीब में बटेगा, और उनको जो है खाना खिलाने की, और लगातार हम लोग भी गरीबों को लेकर के लालू रसोई पहले से भी चलता रहा, तो एक गरीबों के सम्मान के लिए ये जन्मदिन जो है हम लोग मनाएंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग जो है लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान किया करते थे, बिहार में हो जिले में रक्तदान करते थे, लेकिन इस बार विशेष तौर पे जो गरीब जो भूखे हैं उनको हम लोग जो है खाना खिलाएंगे, और जो लड़ाई है भूख से या गरीबी से सब लोग उनके साथ रह के संघर्ष। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन को पार्टी ने गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों सहित अलग अलग जगहों पर लोगों को खाना खिलाया गया। कई जगहों पर कमजोर वर्ग के लोगों को खाना खिलाकर उन्हें वस्त्र से भी सम्मानित किया गया। कोरोना की वजह से इस बार उनके जन्मदिन पर किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि विभिन्न जगहों पर राजद कार्यकर्ताओं और लालू प्रसाद के शुभचिंतकों ने अनाथालय, अस्पतालों और क्वारंटाइन केंद्रों पर फल, मिठाई, अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर बोलते हुए लालू प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लाभ लो जमीन दो की नीति पर चलते हुए लालू प्रसाद ने अपने सगे भाई, भतीजे और अपने गांव फुलवरिया के लोगों को भी नहीं छोड़ा। जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा किया कि लालू प्रसाद ने अपने सगे बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव के बेटों से 4 नवंबर 2003 को अपने बेटे तेज प्रताप यादव के नाम पर 8 कट्ठा 17 धुर जमीन लिखवा ली। दावा यह भी है कि प्रताप और तेजस्वी यादव के अलावा तरुण कुमार यादव के नाम पर भी रजिस्ट्री कराई गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार को इस संबंध में जिलों में ईवीएम को मंगाने तथा सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण सहित अन्य कार्यों को समयबद्ध में तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर पहली बार चुनाव आयोग के स्तर पर यह पहली बैठक आयोजित की गई। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार
गुरुवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एचआर श्रीनिवास एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन कैल्शियम विटामिन एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को हत्या की साजिश के मामले में गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि उनके पैतृक आवास बाड़ की नदवा से AK-47 हैंड ग्रेनेड और अन्य चीजों की बरामदगी के मामले में जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि विधायक 23 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में है। दोनों जमानत याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की। पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जोर शोर से चर्चाओं पर बिहार के जनसंपर्क विभाग के सचिव अनूप कुमार ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के संबंध में बिहार में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है और न ही कोई नया निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई को जारी दिशा निर्देश में बिहार में यथावत लागू है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को ही राज्य सरकार ने अपनाया है। इस आलोक में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन किया गया है। गौरतलब है कि कंटेनमेंट जोन को निर्धारण जिलाधिकारी करते हैं और जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के मामले आते हैं उसे AP सेंटर मानते हुए वहां की भौगोलिक स्थिति एवं बसावट को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसके साथ ही निबंधन कार्य भी समय पर पूरे किए जाएंगे। ऑनलाइन डिग्री वितरण एवं नेशनल अकेडमिक डिपॉजिटरी की प्रभावी व्यवस्था भी विश्वविद्यालयों को करनी होगी। सभी विश्वविद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष तैयार होंगे और उन्हें अपने शिक्षण सामग्री को ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने यह आदेश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने गुरुवार को संबंधित कुलपतियों की मौजूदगी में शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। अगले 48 घंटे में मानसून के बिहार में प्रवेश करने की प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। मानसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां लगातार तैयार हो रही है और उम्मीद है कि इस बार समय से मानसून बिहार में प्रवेश करेगा। गौरतलब है कि पूर्णिया में 13 जून को मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने किया है। इसके बाद कुछ दिनों के अंतराल में यह पटना, गया और राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के माध्यम से कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। बस हो कर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये, पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया, सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के लोगों को अगले महीने 3 पुलों की सौगात मिलेगी। इनमें 2 नए पुलों का आवागमन शुरू भी हो जाएगा, जबकि 1 नए पुल का निर्माण शुरू होगा। तीनों की ताजा स्थिति संबंधी रिपोर्ट केंद्र को भेज दी गई है। मंजूरी मिलते ही तारीख तय कर इन पुलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास हो जाएगा। गौरतलब है कि गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण कार्य अगले माह शुरू होगा। 4 लेन वाले इस पुल के निर्माण की लागत लगभग 2,961 करोड़ रुपए है। एजेंसी का चयन भी हो चुका है। अप्रोच रोड सहित पुल की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। पुल में एक्स्ट्रा डोज केबल भी होगा, जिसका सपा इन 242 मीटर होगा। स्पैन अधिक लंबा होने से गंगा नदी में बड़े जहाजों को चलाने में परेशानी नहीं होगी। बिहार में अब तक 3,086 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें 152 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए हैं। चिकित्सकों ने उन्हें होम क्वारंटाइन में रखकर कोरोना से बचाव को लेकर मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग का निर्देश दिया है। वहीं राज्य में कोरोना के 2,686 एक्टिव मरीज अभी मौजूद हैं। राज्य में अब तक 4,143 प्रवासियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। राज्य में अब तक 13,225 सैंपल की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी राज्य के 32 जिलों में ट्रूनेट मशीन से कोरोना की प्रारंभिक जाँच की जा रही है। खबर दिल्ली से है, जहां जामा मस्जिद को फिर से 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने 11 जून की रात 8 बजे से 30 जून तक जामा मस्जिद को बंद किए जाने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही जामा मस्जिद के कर्मचारी अमानतुल्ला की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया, लोगों की राय और विद्वानों से सलाह लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। हाँ, इमाम साहब ने अनाउंसमेंट करा है कि मस्जिद जो है 30 जून तक जो है बंद रहेगी कोरोना वायरस के चलते हुए। तो क्या लगता है आपको कि मतलब पूरी दिल्ली इमाम साहब की इस बात को सपोर्ट कर रही है? सभी सपोर्ट करेंगे इस चीज को। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी को बिहार में लगभग 4 साल पूरे होने को आए हैं, पर कहीं न कहीं शराब तस्कर इस बंदी में मोटी कमाई का जरिया इसे बनाते नजर आ रहे हैं। और जिलों की छोड़ अगर राजधानी की बात करें तो पटना में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों का धंधा काफी फल फूल रहा है। प्रशासन भी इनकी कड़ी तोड़ने में लगातार सजग है। इस कड़ी में राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली स्थित गणपति रेस्टोरेंट से विदेशी शराब की बड़ी खेप गुप्त तहखाने से बरामद किया गया है। उत्पाद विभाग की इस बड़ी सफलता पर विभाग के सहायक आयुक्त प्रहलाद कुमार ने बताया कि कई दिनों की रेकी और सूचना संकलन के बाद छापेमारी में 2 तस्कर सहित
495 पेटी विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये रेस्टोरेंट के आर में शराब तस्करी का काला कारोबार करते हैं। फिलहाल इनसे और भी जानकारी मिलने की उम्मीद है। ये तो 6 महीना 7 महीना होटल 6 महीने से चला रहे थे। होटल खोला होवे किया था। तो तहखाना कैसे बनाए थे आज जब आप जानते थे कि उसमें तहखाना है? नहीं ना सर, गोदाम रेस्टोरेंट आप ही का है? रेस्टोरेंट मेरा ही था। क्या नाम है? अविनाश। शराब की भारी खेप थी, कहाँ से लाते थे? सर हम नहीं करते, हम किराया पे दिए हुए थे वहाँ। किसको किराया पे दिए हुए थे? दिए तो वहीं के था, एक बार नहीं था। के उपरांत जो है तो सूचना सही पता लगा, लोकेशन को सही देख लिया गया, तो फिर हम लोग ने छापमारी कल किया। तो लगभग हम लोग 11:30 बजे के आसपास छापमारी वहाँ पर किया दिन में। और ये गुप्त स्थान है, तहखाना टाइप का है वो, और जहाँ चोर दरवाज़ा जिसमें एक आदमी हेल सकता है, एक कार्टून निकाल सकता है, उसमें 495 कार्टून उसके अंदर रखा गया था, प्रायोजित था। ये वो लगता है कि हम लोग के पकड़ने के पूर्व भी वो कर रहा होगा। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में खोला गया सोशल डिस्टेंसिंग वाला सब्जी मंडी। परिसर में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की मौत कोरोना से होने की आशंका से लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। महिला की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मेडिकल टीम को सूचना दी, जहां मेडिकल की टीम ने सोमवार को अपने कब्जे में लेकर एम्बुलेंस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज ले गई। महिला की मौत कोरोना से हुई है या अन्य बीमारी से यह स्पष्ट नहीं हो सका है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद महिला की मौत का खुलासा हो पाएगा। वहीं महिला की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। फिलहाल घटना के बाद इलाके के लोगों में कोरोना का खौफ सता रहा है। लोग महामारी को लेकर डरे सहमे में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।